अपने मन से प्रयास और अपने मन की अभिव्यक्ति करके गुरु महाराज को अपना अपना निवेदन रूप से हमारे सभी विराजमान हैं, उन सभी को हम नमन करते हुए साधुवाद करते हुए उनसे निवेदन करते हैं। जैसे अभी आपने बाबा जी का सुना के हमको सबको आनंद कराया, हम हमारे पुरी से सुबोधनंद जी महाराज पधारे हैं, पुरी वाले महाराज जी से हमारा निवेदन कि वो अपना आशीष वचन हम सबको दें, हमको आशीष वचन से अनुग्रहित करें। उसके बाद पिताजी महाराज अपना वचन करेंगे और दीनबंधु दास जी के पिताजी दीनबंधु दास जी भी हमें सब आशीष रूप में देंगे। सभी संतों की जिन लोगों की सबकी ये कि गुरु महाराज दादाजी महाराज जो हैं हमारे समर्थ गुरु हैं, गुरु समर्थ होते हैं और गुरु समर्थ हों तो हमें किसी भी तरह से हरि और गुरु में फर्क और उसमें जो भाव में विभिन्नता है वो एक हमें एक मत होकर अद्वैत का सिद्धांत सिखाया जाता है। इसी परंपरा में हमारे पुरी जी महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी अपना आशीष वचन हमें प्रदान करें। संसार का संबंध रखने से फिर मन भी बदलता है, मन बदलता है तो क्या है, मन बहिर्मुखी हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। क्या मन स्थिर कैसे हो, मन को उत्तंगी करो, मन को गुरु भगवान के चरण में लगाओ। आपके सबको इतने भाग्यवान हो, आप लोग इतने बड़े महापुरुष से आपको प्राप्त हुए, इतने बड़े चरण की भगवान है तो उनके प्रति समर्पित भाव, गुरु बुद्धि से चलना अपना बुद्धि से नहीं। आप देखिए कितने जन्म चला गया हमारा, लाखों जन्म चला गया अपना बुद्धि से चलते हुए, अपना बुद्धि से चलते हुए लाखों जन्म चला गया फिर भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। इसी जन्म में सदगुरु मिले तो अपना बुद्धि छोड़ के गुरु बुद्धि में चलना ही बुद्धिमान का लक्षण है, अपना बुद्धि में चलना बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। ये हमारा लाखों जन्मों का अभिज्ञता हो गया। तो बाकी जो जीवन है इस जीवन में गुरु बुद्धि में चलना ही वो वास्तविक जीवन है, अपना बुद्धि में चलना ठीक नहीं। हम समझते अपना बुद्धि में चले ये ठीक है, आपको कैसे पता ये ठीक है, बुद्धि बोलता है ठीक है, क्या गारंटी है बुद्धि जो बोलता है वो ठीक है। अपना बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं, गुरु बुद्धि शास्त्र बुद्धि के ऊपर भरोसा रखिए, वो आपको पार करवा देगा। एक छोटा सा उदाहरण, हम क्रियायोग परंपरा से जो बाबा जी महाराज श्यामाचंद नायडू उनके शिष्य युक्तेश्वर हुए, युक्तेश्वर बाग के तीन प्रमुख शिष्य थे परमहंस योगानंद जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी योगी योगी कथा किताब लिखी और स्वामी सत्यानंद और मेरे गुरु महाराज परमहंस हरियानंद महाराज, तो ये गुरु ये परंपरा में आए हमारे गुरु महाराज के साथ। एक छोटा सा जो अनुभव ये बोल देता हूँ ये आपको समझ में आ जाए। 25 साल पहले गुरु महाराज तो अमेरिका में थे, फ्लोरिडा में हमारे आश्रम मायामी, तो हम सब गुरुदेव के सेवा में थे, पी एक गुरुदेव की थी गुरुदेव का पास रहते थे सेवा करते थे। और आश्रम के जो मेन बिल्डिंग है बिल्डिंग के पास दो बड़े इतने बड़े बड़े पाम थे, बड़ा बड़ा अमेरिका में बहुत पाम थे आप देखेंगे लंबा बड़ा। तो गुरु महाराज एक दिन बोले ये दोनों पेड़ को काट दो, बोल दिया। लेकिन अमेरिका में जो बाकी जो शिष्य थे गोरे शिष्य थे वो थोड़ा नाराज हुए क्योंकि अमेरिका में विदेश में पेड़ काटना एक बड़ा अपराध होता है, पेड़ आप काट नहीं सकते। तो वो लोग मुझे बोले महाराज क्या करें, गुरु महाराज बोलते देखो। मैंने बोला देखो आप प्रश्न क्यों पूछते हो, गुरु महाराज बोले बोले कर दो, कमरा बोधी मत लगाओ। फिर उसको कटवा दिया दोनों दोनों जब कट गए 15 दिन के बाद एक बड़ा उसमें क्या है एक बड़ा झड़ साइक्लोन है ना, बड़ा साइक्लोन आया मायामी में फ्लोरिडा में, सारे जो बिल्डिंग था बिल्डिंग के आसपास जितने सबके जो घर के पास बड़े बड़े पेड़ थे और सब गिरे, सब गिरे, सबका बिल्डिंग नष्ट हुआ टूटा, हमारा आश्रम बच गया। अच्छा अभी देखिए अभी जो जब गुरु महाराज बोले तब हमारा विश्वास क्यों क्यों गुरु महाराज बोले, तो गुरु महाराज क्या बोले अपना बुद्धि नहीं लगा,
गुरु महाराज के आदेश और उपदेश उसने बुद्धि नहीं लगाया, अपना बुद्धि लगाना ही बुद्धि नष्ट का लक्षण है। गुरु महाराज जो बोलते मान लो काम करो, उसमें कल्याण है कि हम सबका अहित है। इतने लाखों जन्म के अपने बुद्धि से चलते हुए क्या मिला जीवन कल्याण पर? वह नहीं, क्यों? हम अपना बुद्धि से चलते थे, तो बाकी जितना जीवन बाकी है वो गुरु महाराज के वाक्य को शिरोधार्य मंत्र बोलो। गुरु वाक्य मतलब बोलते लेकिन अभ्यास करते नहीं। अब देखिए प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, विश्वामित्र आए अयोध्या, ऋषि विश्वामित्र अयोध्या नरेश का दशरथ जी पास आए, बोले मैं यज्ञ करूंगा। संकल्प ले लिया और यज्ञ में आपके दो बेटे राम और लक्ष्मण को मुझे दीजिए, वो यज्ञ को रक्षा करेंगे। अभी प्रश्न देखिए, ये तो गल्प आप सुने हैं, एक ऋषि महात्मा आके बोलते हैं लेकिन दशरथ जी का मन भरा नहीं, वो तो हमने से माने नहीं। वो बोले छोटे छोटे बालक की क्या रक्षा करेंगे, इतने बड़े बड़े राक्षस से, इतने बड़े बड़े असुर की क्या रक्षा करेंगे, क्योंकि दशरथ जी पिता है, अभी पिता पुत्र बहुत रहता है थोड़ा, तो वो सोचे छोटे छोटे बालों को कैसा भेजेंगे। लेकिन विश्वामित्र बोल रहे मना नहीं कर सकते, लेकिन राजी हो गए प्रसन्न। अभी गुरु महाराज कभी कुछ बोल देते हैं आपको अंदर से अच्छा लगे या ना लगे भी मान लो, उसमें कल्याण है, क्योंकि बुद्धि तो है हमारा, बुद्धि कभी कभी विचार करता है। गुरु महाराज जो बोले ये ठीक है कि गलत है, इसलिए कभी कभी जीवन में अगर डिलेमा अगर कंफ्यूजन आता है मैं करूं या ना करूं, अगर गुरु महाराज का आदेश है तो उसको लेना, उसमें कल्याण है। दूसरे देखिए, अभी राम जी लक्ष्मण जी दोनों के लिए गए, यज्ञ सफल हो गया, फिर लेके गए जनकपुर, जनकपुर में सीता स्वयं वो लेके गए, फिर स्वयं का स्टोरी आप जानते हैं, सारे से बड़े बड़े वीर पुरुष आए थे, राजा महाराज सुनाए थे, और जनक महाराज का जो कंडीशन था, ये जो धनु है शिव धनु उस गोठा के उसको भूल चढ़ाना, इतने बड़े बड़े बलिष्ठ पुरुष तो आए थे राजा महाराज, कोई उठा नहीं पाए, जब उठा नहीं पाए सब फेल हो गए, तब जनक जी के मन में एक भावना है और वो बोल दी, क्या ये धरा में कोई वीर पुरुष नहीं है, मेरा बेटी सीता विवाह से वंचित हो जाएगा, ये धरा में कोई वीर पुरुष नहीं है। सुनते ही लक्ष्मण के लक्ष्मण का जो विशेष अवतार है उनका मन भी क्रोध आ गया, लेकिन करेंगे फिर पास से बैठे थे विश्वामित्र राम जी से बोले, फिर राम जी गए आप स्टोरी जानते हैं, उसको चढ़ाए गोल चढ़ा चढ़ाते और टूट गए। अभी देखिए बाकी लोग क्यों नहीं उठा पाए, राम जी कैसे उठा पाए, क्योंकि बाकी लोग अपने इच्छा से आए थे, राम जी अपने इच्छा से नहीं आए थे, गुरु की इच्छा से आए थे, और बाकी जो राजा महाराजा वो सब गए तो अपने बल से अपने इच्छा से उसको उठाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन राम जी अपनी इच्छा से नहीं गए, गुरु बोले विश्वामित्र बोले राम जी जाओ, फिर हो गए। इसी जो प्रसंग से एक बात स्पष्ट होना चाहिए, हम जहां भी जाए हम गुरु को साथ में लेके जाए, गुरु आज्ञा से चले, अगर गुरु आज्ञा से चले गुरु को साथ लेके चले तो जीवन में विजय है, और गुरु साथ नहीं और गुरु के बात से हम मानते नहीं अपने इच्छा से करते तो जीवन में पराजय है। तो ये एक ही जो हमारे शास्त्र में जो रामायण महाभारत भगवत सारे पुराने उसमें जो छोटे छोटे स्टोरी है गल्प है उसके गल्प के अंदर इतने सारे तत्व है, मैं तो सबको बोलता हूँ जो लोग पढ़ते हैं ना,